अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मतलब उम्मीद करता हूँ ये भी कि आप घर में बैठ के पबजी के अनबैन होने का इंतजार कर रहे होंगे। तो मुबारक हो, वो घड़ी आ गई है। पबजी अनबैन हो रही है या नहीं हो रही है वो तो आगे चल के मतलब बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं पीटीए की इंसल्ट के बारे में, मतलब पीटीए की बहुत मतलब बड़ी खुआारी हो गई है, कुत्तों जैसे उसकी हालत हुई। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ कि उधर क्या हुआ इस्लामाबाद के, आई थिंक इस्लामाबाद के हाईकोर्ट में वहाँ पर जो उनकी बेइज्जती वगैरह हुई, तो वो सारी चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, वीडियो को चलते चलते लाइक और शेयर दोनों कर दो, उसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो। इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ब्रांड एम इसकी, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको ये बताना चलूँ कि जब इनकी मीटिंग चल रही थी इस्लामाबाद के हाईकोर्ट में, तो वहाँ पर जब इनसे पूछा गया कि भाई आप बताओ जो पबजी है उसको बैन करने की वजह बताओ हमें, तो सबसे पहले उन्होंने बड़ी वजह मतलब सबसे पहले ये रख दी कि भाई पबजी की वजह से जो सुसाइड केसेस हैं वो आगे बढ़ रहे, मतलब ज्यादा हो रहे। तो वहां पर जो जज बैठा था वो तो लाजमी पागल तो नहीं है, कोई और वजह बता दो भाई, ये वजह ऐसी मतलब खास वजह नहीं, ऐसी बहुत सी कारण है जिनकी वजह से सुसाइड केसेस वगैरह हो रहे हैं, कोई और मतलब वजह बता दो। तो यहाँ पर भी इसकी कुत्तों वाली हो गई बेइज्जती, मतलब ये जो दाल है इनकी वो भी नहीं गली। तो उसके बाद इन लोगों ने नया जो प्लान रचा था वो ये था कि उन लोगों ने बोला भाई यहाँ पर जो है ना मतलब गंदी गंदी चीजें हो रही है पबजी के ऊपर, मतलब तो जज ने बोला भाई गंदी गंदी चीजें कैसी, ना तो वहां पर कोई तस्वीर वगैरह दिखाई जा रही, ना तो कोई वीडियो कॉल वगैरह हो रही, तो अगर हाँ हो रही है तो वहां पर मतलब गाली गलौज कोई करता होगा कोई नहीं करता होगा, तो वो तो मतलब आम बात हो गई। गाली गलौज तो मतलब फोन पे भी कर लेता है, सिम कार्ड पे भी कर लेता, मतलब कॉल भी करता है, तो कॉल भी क्या बैन कर दोगे? तो भाई ये भी इनकी दाल नहीं गली। मतलब ये जो है पहले बोल रहे थे कि भाई सुसाइड केसेस ज्यादा आ रहे हैं, भाई सुसाइड केसेस तो वहीं पर ही क्लियर हो गया था कि वो जो जिस बंदे ने सुसाइड किया था वो इसकी पबजी की वजह से नहीं किया था, उनका अपना कोई मतलब पर्सनल मैटर था जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो जाके प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, मतलब उसकी जो सारी हकीकत थी वो सारी मैंने उसमें बयान की। उसके बाद जो इन लोगों ने मतलब दूसरा खेल रचा कि भाई इसमें जो है ना गाली गलौज ज्यादा हो रही है और उसके अलावा मतलब गंदी गंदी चीजें हो रही है, इस वजह से हम पबजी को पाकिस्तान में बैन करें। तो उन लोगों ने बोला भाई और कोई वजह बताओ, ये मतलब दाल गलने वाली नहीं है। तो जो पीटीए वालों का वकील था, जो एडवोकेट था उनका, तो उसने मतलब अभी तो यार मतलब यहाँ पर कुत्तों वाली हो रही है, तो अभी क्या करूं मैं ऐसा जिसकी वजह से मतलब जज साहब का जो है थोड़ा ध्यान मेरी तरफ आ जाए। तो उसने ये किया कि भाई पबजी पे इस्लाम की बेहरमती हो रही है, मतलब ये तो बहुत पुरानी बात है, बहुत सी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर मतलब एक बॉक्स टाइप था जिसको मतलब नऊज़बिल्लाह खाना काबा की सूरत दे रहे थे, तो मतलब वो तो उन लोगों ने जैसे ही पबजी तक ये बात पहुंची थी क्योंकि बहुत ही वायरल हो चुकी थी ये बात, तो पबजी तक जैसे बात पहुंची तो पबजी ने वो फीचर से हटा दिया। लेकिन तो इसमें मतलब क्या मतलब कुछ भी, तो ये सारी चीजें बातें मतलब होने के बाद इसका फैसला ये आया कि भाई पबजी को अनबैन किया जाए। तो मतलब वीडियो यार मैं थोड़ी शॉर्ट बना रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा मतलब बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तीसरी वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया मतलब वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो को चलते चलते लाइक लास्ट भी कर देना। उसके बाद मतलब ये था कि सारी चीजें क्लियर हो गई, उधर ही क्लियर हो गई, मतलब बेइज्जती हो गई उनकी कुत्तों वाली हो गई, ऊपर से वकार जाका का जो नोटिफिकेशन आ रहा है अभी अभी मतलब पबजी अपडेट के बारे में, तो वो भी देख के आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।